देवान, आज मैं आपके शेयर करने जा रही हूँ, घर में हम आटे का निमकी बनाएंगे। लॉकडाउन में शाम के नाश्ते के लिए इस तरह से हम बनाएंगे। ये हमने आटा ले लिया है, 1 केजी हमारा आटा है। इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेल डाल देंगे, आपको ज़्यादा पसंद है तो डाल सकते हैं। इस तरह से अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसमें हम मोयने के लिए इसमें हम थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डालिए या घी भी डाल सकते हैं। हमने रिफाइन का यूज किया है, और इस तरह से अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे। अपने हिसाब से जितना हमारा आटा लगेगा उतना पानी हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, हमने निमकी का आटा इस तरह से लगा लिया है, ना नरम है ना सख्त है, एकदम नॉर्मल है। इस तरह से देखिए आटा हमारा है। अब हम इसका साइड में रख देंगे अपने आटे को, और हम खजूर की रेसिपी अब प्रिया को बोलते हैं। गोल देखिए हमारा ये आटा, देखिए हम आटा अच्छे तरह से लगा लिए हैं, हमारा आटा अच्छे तरह से गूंथ गया है। अब इसमें हम कढ़ाई गरम रखे हैं, देखिए रिफाइंड डालेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इस तरह से, क्योंकि बड़ा सा बेल के फिर हमको निमकी काटना है, इस तरह से सारे आटे की इस तरह से हम लोइया बना लेंगे। देखिए इस तरह सारे बड़े बड़े सारे हमने लोइया बना लिया है। अब इसको हम बेलेंगे निमकी के लिए इस तरह से। थोड़ा सा हम इसमें रिफाइन ऑयल लगा देंगे या घी लगा लेंगे, और इस तरह से हम बेलेंगे बड़ा सा रोटी बेल के फिर हम काटेंगे। लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हो रही है, शाम के नाश्ते के लिए हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमने ये अपना नाश्ता घर में बना रहे हैं, आपके शेयर किए हैं। आप भी बनाइए, बच्चों को खिलाइए। इस तरह से थोड़ा सा हम चाकू में घी इस तरह से लगा देंगे, उसके बाद हम इसको काटेंगे। मोटा आप पतला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, हमने इतना मोटा रखा है, देखिए ना ज़्यादा पतला है ना मोटा है, इस तरह से हमने रखा है। इस तरह छोटे छोटे पीस में हम काट लेंगे। हम छोटी सी लोइया डाल के देख रहे हैं कढ़ाई हमारा गर्म है कि नहीं, इस तरह से कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। देखिए हो गया है, देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे हम निमकी को सारे तेल में इस तरह से छोड़ देंगे, किनारे से डालिए ताकि तेल हमारे ऊपर पड़े नहीं, अच्छी तरह से डालना चाहिए। देखिए कितने अच्छे हमारे सुनहरे गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके हैं, थोड़ा सा और इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है निमकी, अब इसको हम निकाल लेंगे पेपर पे कि इस एक्स्ट्रा ऑयल सब इसका निकल जाए। इस तरह से हम निकाल लेंगे, इतने सुंदर हमारे निमकी निकले हैं, एकदम टाइम नहीं लगा है। बाकी के जो हमने और काट के रखे इसे भी हम डाल देंगे उसी तरह से। देखिए कितनी अच्छी तरह से सारे ये हमारे निमकी बन गए हैं, छान के निकाल लिए हैं।
बहुत जल्दी बन जाता है। शाम का नाश्ता के लिए चाय के साथ स्नैक्स बहुत अच्छा है। बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा नीमकी का रेसिपी का, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय।